ये हमारी सकाफत है, ये हमारा तारीखी विरसा है जिसके ऊपर धूल और मिट्टी इस कदर है। ये जो शीश महल थी उसकी हालत उस वक्त बताया जाता है कि ये क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस कहलाती थी। एक आदमी पूरी आर्मी को रोक सकता था। ये शीशे जो है ये मुल्के शाम सीरिया से लाए गए थे। सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया था मुस्तनसर हुसैन तारर साहब ने, जो हमारे वेल नाउन राइटर हैं। उनकी जो लाहौर के ऊपर बुक्स हैं, लाहौर अवारगी है, लाहौर दीवानगी है। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल और मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा भट्ट। नाज़रीन, यूं तो आपने लाहौर शाही किला में मौजूद शीश महल का विजिट 12 किया होगा, लेकिन आज हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली गेट के अंदर तंग गलियों के बीचों बीच एक ऐसी हवेली में जिसके अंदर भी एक शीश महल मौजूद है, और ये हवेली कहलाती है मियाँ सुल्तान हवेली। और इस हवेली के अंदर हम चलते हैं और जाकर देखते हैं शीश महल की खसूसियत क्या है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। तो ये वो शीश महल है, इस शीश महल की क्या कहानी है इन्हीं से जानते हैं। हमारे मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नुमान है। मोहम्मद नुमान, ये जो शीश महल जो नजर आ रहा है, ये शीश महल जो है इसको पब्लिकली कितना लोग जानते हैं? क्योंकि एक शीश महल तो है जिसको सब लोग जानते हैं, विजिट भी करते हैं वहाँ का। ये एक हवेली के अंदर मौजूद है, कितने अरसे तक ये एक हवेली के अंदर रहा लेकिन लोगों को नहीं पता? ये हवेली है मियाँ सुल्तान की हवेली। मियाँ सुल्तान ब्रिटिश एरा में एक वेल नाउन कॉन्ट्रैक्टर हुआ करते थे। उन्होंने लाहौर का दिल्ली गेट उन्होंने रीबिल्ड किया, इसके अलावा लाहौर का रेलवे स्टेशन वो भी उन्होंने बनाया था। इसके अलावा लाहौर की काफ़ी बिल्डिंग्स हैं जो कि मियां सुल्तान ने बनाई थी। ये हवेली उस वक़्त तो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। जो मेरे पास हिस्टोरियंस आए हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड आए हैं, उनके नज़दीक ये हवेली 5 कनाल या इससे ज़्यादा रकबे पर मुहित हुआ करती थी। बट अब आफ्टर पार्टीशन, क्योंकि ये हवेली डिफरेंट ऑनर्स को बेची गई, जिनमें से एक हम भी थे, तो हमने ये हवेली को भी ख़रीदा, इसी तरह डिफरेंट ऑनर्स ने ख़रीदा, तो ये हवेली अब डिफरेंट पार्ट्स में है। और जो हिस्सा हमारे पास है वो है 3820 स्क्वेयर फिट, जो कि 17 मरले हैं, जिसे वर्ल्ड सिटी ने और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर्ड है। ये हवेली आपके पास कब आई थी, किस सन में? हमने आफ्टर पार्टीशन 1970s to 75 के अराउंड अबाउट खरीदी थी। मियां सुल्तान की जो वारिस थी, ले पालक बेटी थी, उनकी बेटियों से हमने ये हवेली खरीदी थी, मेरे दादाजी ने। मेरे नज़दीक अब ये कौम की एक अमानत है, इसको कौम को दिखाना चाहिए। तो उसके बाद मैंने इसे सबसे पहले तो जर्नलिस्ट के लिए ओपन किया कि वो आएँ, इसको एक्सप्लोर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात को बताएं। ये जब हवेली आप लोगों ने परचेज़ की थी, जब इसको ख़रीदा था, इस शीश महल की हालत ऐसी ही थी या कुछ बेहतर थी या फिर मज़ीद ख़राब हो? ये जो शीश महल थी उसकी हालत उस वक़्त बताया जाता है कि ये क्योंकि एक हॉन्टेड प्लेस कहलाती थी। प्लेस आपने कहा, तो ऐसा कुछ आपने जब से ये हवेली आप लोगों के पास है कभी आप लोगों ने कुछ ऐसा फील किया? नहीं, हमने तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं किया, हमने सिर्फ सुना हुआ था मेरे दादाजी ने या उनके भाइयों ने। इस शीश महल के बारे में जिस मैंने आपसे पूछा था कि कितने लोग जानते हैं, स्टिल इस वक्त तो बहुत कम लोग जानते हैं, बट क्योंकि अब मैंने इस हवेली को विजिटर्स के लिए भी ओपन किया है, वो आए इसको देखें। यहाँ पर क्या क्या हुआ करता था इस शीश महल के अंदर? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हवेली 1867 में बनी थी। तो मियां सुल्तान उस वक्त का एक वेल नाउन कॉन्ट्रैक्टर था, एक रईस ज़्यादा था और एक वेल नाउन पर्सनैलिटी था। तो वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग्स हुआ करती थी, ऑफिशियल्स आते हैं वो उसके पास आया करते थे। तो उनको अपनी शानो शौकत और एक बादशाहत का जो तर्ज ज़िंदगी वो दिखाने के लिए उसने ये शीश महल बनाया। इसके साथ उसने कुछ बड़े कमरे बनाए जिसे हॉल कहते हैं, जहाँ पर हिस्टोरियंस के नज़दीक मीटिंग्स होती थी, जो पब्लिक गैदरिंग्स थी वहाँ पे किया करता था। सही है। ये शीश महल पे जो काम हुआ है सारे शीशों का है? जी, यहाँ इस पे शीशों का काम है, इसके अलावा इस पे फ्रेस्को वर्क है, इसके अलावा और भी आर्ट के काफी नमूने हैं।
अगर आप कैमरे में देख सकें तो ये इस शीश महल की जो हालत है वो बहुत खस्ता हाल है अभी फ़िलहाल, क्योंकि इसकी अगर छतों को देखा जाए, जिस तरह से इन्होंने बताया कि फ्रेस्को वर्क हुआ पड़ा है, लेकिन वो वर्क जो फ्रेस्को वर्क है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म होता नज़र आ रहा है। लेकिन पब्लिकली जैसे इन्होंने लोगों के लिए एक यादगार को ओपन किया है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर जो रेनोवेशन है अगर उसका काम किया जाए तो एक बहुत ही हसीन यादगार के तौर पर सामने आती है। ये इतनी तंग तंग जगह क्यों है, ये शीश महल है, अगर तो ये महल तो खुला होता, ये महल इतना तंग। उस वक्त का जो एनवायरनमेंट था वो अटैक होते थे, इन्वेडर्स हमला करते थे बादशाहों पर, गलियों पर, मोहल्लों पर, तो इसीलिए आपने देखा हमारे अंदरून की गलियां भी तंग हैं, सीढ़ियां भी तंग होने की वजह ये हुआ करती थी ताकि एक आदमी एक पूरी आर्मी रोक सकता था, और इसी तरह एक से ज़्यादा सीढ़ियां या एक से ज़्यादा दरवाजे और रस्ते देने का मकसद भी ये हुआ करता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन हो सके सेफली। गर्मियों में जब सूरज निकलता है तो इस शीश महल का क्या नज़ारा है? जी बिल्कुल, इस शीश महल को आप बिल्कुल लाहौर फोर्ट के मिरर पैलेस से जो शीश महल है उससे देख सकते हैं, उससे मुशाबे रखता, जिस तरह उसके चारों साइड्स पे रोशनी पड़ती है तो हर कमरा हर ग्लास के ऊपर एक रिफ्लेक्शन बनती है, तो बिल्कुल इसी तरह इस पे बनती है। अच्छा, हमें आप थोड़ा सा इस शीश महल का विजिट करवाएं। ये इस शीश महल का अखाता था, लेकिन यहाँ से ये देखें कितनी तंग तंग सी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, और यहाँ से अगर ऊपर आप ऊपर जाएंगे तो पूरा वो सिनेरियो आपको देखने में आएगा। तो एक आदमी पूरी आर्मी को रोक सकता था, इसी वजह से ये सीढ़ियाँ इतनी तंग बनाई गई हैं। और यहाँ से अगर आप सीढ़ियों से ऊपर आएँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये छत जो है ये भी तकरीबन हमारे सर को लग चुकी है, मेरे नहीं इनके, इनसे और जानते हैं इस शीश महल के बारे में। ये जो खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां किस काम आती हैं? ये खिड़कियां इस वजह से हुआ करती हैं क्योंकि उस टाइम पे उस एरा में लाइट का कॉन्सेप्ट ये रोशनी ही हुआ करती थी, सनलाइट हुआ करती थी, और शीश महल की खूबसूरती को दिखाने के लिए सनलाइट ही देखें। अगर आप अब भी देखें तो आपको कुछ शीशों के ऊपर अपनी पूरी पूरी एक रिफ्लेक्शन मिलती है, इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं, तो जब वो उसके ऊपर प्रॉपर एक लाइट पड़ती होगी उस टाइम पे तो वो अपना एक कैसा अक्स जाहिर करती होगी। ये शीशे किस चीज़ कहाँ से लाए गए थे, स्पेशली कोई बनवाए गए थे? ये शीशे जो हैं ये मुल्के शाम सीरिया से लाए गए थे, इसके अलावा भी डिफरेंट कंट्रीज से इम्पोर्ट करवाए गए थे उस टाइम पे। इसका डिज़ाइन है आप देख सकते होंगे कि एक फूल नुमा ये डिज़ाइन है, और यहाँ के जो शीशे इसके हैं इस हवेली के, सदियाँ गुजरने के बावजूद इन शीशों में आप देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्शन वाजे तौर पर दिखाई देते हैं। इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो खूबसूरती है शीश महल की, उसको बयान करना अभी तक जो है वो आप देख सकते हैं कितना नामुमकिन है। और ये इसकी ये छोटी छोटी सी खिड़कियाँ बनाई गई, और खिड़कियों से अगर आप बाहर की तरफ झाँक कर देखें तो छोटी छोटी सी अंदरून लाहौर की जो गलियाँ हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। और इस हवेली के अंदर ये शीश एक अरसे से मौजूद था, लेकिन पब्लिकली लोगों को इस कदर नहीं पता था कि यहाँ पर एक और शीश महल भी है। अमूमन लाहौर में एक ही शीश महल को उसके बारे में जाना जाता है, लेकिन ये दूसरा शीश महल है। इस शीश महल की खूबसूरती का राज क्या है? इस शीश महल की खूबसूरती का राज है सबसे पहले कि इसको ज़्यादातर देखा नहीं गया, ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये ख़राब नहीं हुआ। सबसे पहले इसको एक्सप्लोर किया था मुस्तनसर हुसैन तारर साहब ने, जो हमारे वेल नाउन राइटर हैं, उनकी जो लाहौर के ऊपर बुक्स हैं, लाहौर अवारगी है, लाहौर दीवानगी है, उनकी जो टाइटल पिक्चर है वो हमारे घर की छत से ली गई थी। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील है कि वो आएँ, इस हेरिटेज को बचाएँ, क्योंकि ये जो हेरिटेज है इसी से कौमें बनती हैं, ये हमारी कौम का एक सरमाया होते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत विरसा है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अभी तक इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन है ना वो यहाँ पर आप देख सकें अगर, तो ये यहाँ पर मौजूद है। ये हमारी सकाफत है, ये हमारा तारीखी विरसा है, जिसके ऊपर धूल और मिट्टी इस कदर है कि बहुत सारी यादें जो हैं वो ये धुंधला चुकी हैं, इसी मिट्टी की नज़र हो चुकी हैं। यहाँ के जो कमरे हैं इस शीश महल के, जो मीटिंग रूम्स इन्होंने बनाए हैं, हम वहाँ पर भी जाएंगे, आपको वो रूम्स भी दिखाएंगे। नमान वो ज़रा कमरे हमें भी दिखाएंगे। जी। अच्छा, उन कमरों के पीछे की क्या स्टोरीज हैं, वो कमरे कितने कमरे हैं? ये एक पूरे हॉल नुमा दो कमरे हुआ करते हैं। ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है? जी बिल्कुल, ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। इसके दरवाजे, इसका स्ट्रक्चर, ये सब उसी हालत में है। तो नुमान, ये जो दरवाजे हैं जिस तरह से आपने बताया कि अपनी आज भी असली हालत में मौजूद हैं, ये दरवाजे खुलते भी हैं कि बस ये जाम हो चुके हैं? दरवाजे खुलते हैं, ये दरवाजे खुल कर एक बड़ा हॉल बन जाता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये दो दरवाजे हैं जिनको अगर खोला जाए तो एक बहुत बड़ा हॉल नुमा बन जाता है, लेकिन ये दरवाजे अभी
खुल तो सकते हैं लेकिन हम इन्हें खोल नहीं सकते क्योंकि ये इसके पीछे बहुत सारा सामान मौजूद है। अगर खोलेंगे तो पता नहीं कुछ हो सकता है, चमगादड़े भी हमें अंदर से हमारा इंतज़ार कर रही हो, विजिट कर रही हो। यहाँ से अगर आप शीश महल से थोड़ा शीश महल के बाहर निकलें और इन मीटिंग रूम के दरमियान ये देख सकते हैं आप, ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ जा रही हैं लेकिन ये सीढ़ियाँ थोड़ी सी खस्ता हाल है और ये दरवाज़ा भी आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद है और ये दरवाज़ा भी बहुत छोटा सा है। लेकिन यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम ऊपर जाएँ और आपको इस शीश महल की जो छत है उसका भी विजिट कराएं। यही इस हवेली की सीढ़ियाँ हैं जो छत की तरफ जाती हैं लेकिन ये खस्ता हाली का भी शिकार है। हम कोशिश करेंगे कि हम ऊपर तक जा सकें और आपको इस हवेली की छत का व्यू दिखा सकें। बहुत मुश्किल है लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है ये सीढ़ियाँ। आप इसके दरों दीवार भी अगर देखें तो उसमें भी दरारें आ चुकी हैं लेकिन उसके बावजूद ये हिस्सा आज भी मौजूद है। और ये इस शीश महल की इस हवेली की छत है जिसके ऊपर हम मौजूद हैं और बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। इस छत पर आकर हमने देखा कि एक सिमत में इसके अगर दिल्ली गेट है जहाँ से आप अंदर एंटर होते हैं और ये हवेली मियाँ सुल्तान आती है, तो दूसरी सिमत में इसके ये जो है मस्जिद वजीर खान है और इसके साथ ही ये चिट्टा दरवाजे जहाँ से गुजरते ही मस्जिद वजीर खान बिल्कुल नुमायाँ तौर पर नजर आती है। लेकिन इस छत के ऊपर से भी आप नुमायाँ तौर पर इस मस्जिद को देख सकते हैं। नुमान से ही बात करते हैं, नुमान बताइएगा, जब हमने नीचे विजिट किया शीश महल में वहाँ पर इतनी खस्ता हाली नहीं है, इस जगह को इतना ज्यादा क्यों खस्ता हाल ये क्यों बन गई है? इसकी खस्ता हाली की वजह बेसिक ये थी क्योंकि अब हमारा एक ट्रेंड ही नहीं रहा, एक आदत ही नहीं रही छत पर आने की। तो क्योंकि 2007 से हमारा जो एक अंदरून लाहौर की एक पहचान हुआ करती थी बसंत फेस्टिवल, वो मेला ख़त्म हो गया जिसके बाद से लोगों ने अपने घरों की छतों के ऊपर आना बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये हमारी जो इग्नोरेंस थी, बेख्तियाती थी, ना देखने की वजह थी जिसकी वजह से यह इसके ये हालात हो गए। हम मजबूर हैं कि हम अपने तौर के ऊपर इसको ना गिरा सकते हैं, ना इसको चेंज कर सकते हैं, ना ये जो लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं जो कि उस एरा से बनी हुई 1867 से ऑनवर्ड चल रही हैं, इसके ऊपर तब्दीली कर सकती है। बिल्कुल जी, जिस तरह से आप इन्होंने हमें बताया, इस पूरे शीश महल का हमने विजिट भी किया। छत पर आकर आप देख सकते होंगे कि यहाँ की जो छतें हैं, इन्होंने जिस तरह बताया कि फेस्टिवल हुआ करते थे और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय किया करते थे, अभी भी बहुत सारे घर यहाँ पर आप जहाँ पर भी नज़र घुमा कर देखेंगे आपको घरों की छतें एक दूसरे के साथ मिलती नज़र आएंगी, जो इस बात का सबूत होंगी कि लोगों में इतफाक, खलूस और मोहब्बत रहता होगा। लेकिन किसी हद तक आज के इस दौर में ख़त्म हो चुका है और इस शीश महल को अब ख़ास तौर पर ऐसी किरणों की ज़रूरत है, ऐसी रोशनी की ज़रूरत है कि जिसकी किरणें पड़ते ही ये फिर से जगमग कर उठे। इसको माजी का हिस्सा बनाने की बजाय इसको हाल का हिस्सा बनाया जाए ताकि लोग यहाँ पर आकर इसको विजिट कर सकें और इस तारीखी विरासत को संभाल कर रखें। और इसकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारी हुकूमती जो हुक्मरान हैं उनके ऊपर भी है कि इन असासों को बचाया जाए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर हाँ तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। मुझे दी इजाज़त मिलेगी नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।